तो मैं इसमें पूछता हूँ कि लेट्स से हाउ मेनी वुमेन आर प्रेजेंट इन दिस इमेज। मैं पूछता हूँ कितनी वुमेन है। सो उसने करेक्ट आंसर दिया है, इसमें दो वुमेन है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मंदीप है और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक और नया प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। ये बेसिकली क्या है, विजुअल क्वेश्चन आंसरिंग ऐप है, पूरा AI बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसमें बेसिकली इसके बैकएंड में विजन एंड लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल जो है होस्टेड है। इसमें बेसिकली होता क्या है, चलो ये सबसे पहले ये बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि बेसिकली ये प्रोजेक्ट क्या है, और उसके बाद जो है इस प्रोजेक्ट का एक डेमो दूंगा, पूरा वर्किंग डेमो दिखाएंगे। उसके बाद हम इसका आर्किटेक्चर की बात करेंगे, और उसके बाद जो है कोड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें बेसिकली ये एक विजुअल क्वेश्चन आंसरिंग ऐप है, और इसमें बेसिकली क्या होगा कि आपको ये एक इमेज देंगे आपके इस ऐप को, और बैकएंड पे जो मॉडल है उस इमेज को रीड करेगा, और आप कोई भी क्वेश्चन उस इमेज से रिलेटेड पूछ सकते हैं, और आपका जो मॉडल जो है उससे रिलेटेड आंसर करेगा। बहुत हद तक ये करेक्ट आंसर्स देता है। इन सम केसेस, एक्सेप्शनल केसेस में, जैसे कि मान लीजिए इन केस आपने कोई बहुत ही गंदी इमेज दे दी जिसमें विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वो बेसिकली इमेज किस चीज की है, वहां पे पुअर परफॉर्म करता है, या फिर आपने इररेलेवेंट सा क्वेश्चन पूछ लिया वहां पे जो है इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत हद तक इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। तो चलिए ये तो हुई इसकी इंट्रोडक्शन की बात, बेसिकली ये करता क्या है। अब मैं आपको एक इसका पूरा डेमो करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये इसका फ्रंट एंड है, और बैक एंड आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे रनिंग है, बैक एंड मेरे लोकल पे ही रनिंग है। तो इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, आपको एक सबसे पहले कोई भी एक इमेज चूज करनी है जिसके बारे में आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो। तो जैसे कि मान लीजिए मैं एक ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे मैंने इमेज सेलेक्ट की यहाँ पे ये आपको उस इमेज का प्रीव्यू भी दिखा देता है। जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं इसमें दो एलिफेंट है और वो एक ग्रीन ग्रास लैंड में जो है रोम कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं मान लीजिए इसमें का क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज प्रेजेंट इन दिस इमेज, तो मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इस इमेज में क्या है। तो सबसे पहले ये मॉडल जो है मुझे एक सबसे जो प्रोमिनेंट चीज इसमें दिख रही है उसका आंसर करेगा। तो जैसे कि मैंने इसको सबमिट किया, और जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसने आंसर किया एलिफेंट्स, व्हाट इज प्रेजेंट इन दिस इमेज, तो इसने बहुत करेक्ट आंसर दिया। सो मैं इससे कोई और क्वेश्चन पूछता हूँ इसी इमेज के बारे में। लेट्स से हाउ मेनी एलिफेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस इमेज, तो मैं पूछता हूँ कि इसमें कितने एलिफेंट हैं, और पूछता हूँ तो ये देखिए इसने आंसर बहुत ही करेक्ट दिया, दो एलिफेंट है। उसके अलावा लेट मी ट्राई विद सम डिफरेंट इमेज एज वेल। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक इमेज है, इसमें बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक मैन है, दो वुमेन है, और सो लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन इन व्हाट इज प्रेजेंट इन दिस इमेज। सो मैं अगर ये पूछता हूँ तो ये मुझे वुमेन देगा, क्योंकि प्रोमिनेंट इसमें फिगर जो है दो वुमेन है, सो प्रोबेबली इसलिए ये मुझे आंसर देता है वुमेन। तो मैं इसमें पूछता हूँ कि लेट्स से हाउ मेनी वुमेन आर प्रेजेंट इन दिस इमेज, मैं पूछता हूँ कितनी वुमेन है। सो उसने करेक्ट आंसर दिया, इसमें दो वुमेन है, और उसके बाद लेट्स से मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द कलर ऑफ वुमेन वुमेन ड्रेस। सो लेट्स सी, ये देखते हैं ये क्या आंसर देता है। इसने आंसर किया रेड, जी हाँ, इसमें एक वुमेन ने रेड ड्रेस पहनी है। मैं इसमें पूछता हूँ कि इज देयर एनी मैन इन दिस इमेज, मैं पूछता हूँ इज देयर एनी मैन इन दिस इमेज, सो आंसर इज करेक्ट, यस देयर इज ए मैन, एंड लेट्स से व्हाट द मैन इज वेयरिंग इन दिस इमेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट द मैन इज वेयरिंग इन दिस इमेज, सो उसने आंसर किया बहुत ही करेक्ट आंसर किया सूट, एंड इवन लेट्स से मैं सूट का कलर भी पूछ लेता हूँ, व्हाट इज द कलर ऑफ सूट द मैन इज
वियरिंग। मैं इसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द कलर ऑफ द सूट। सो इसने बहुत ही करेक्ट आंसर दिया है, ब्लैक। एंड मैं एक ही बहुत ही और ज्यादा फाइन डिटेल्स में जा रहा हूँ। व्हाट द मैन इज वियरिंग इन हिज व्हाट यू से आर्म। आई जस्ट वांट टू चेक, सी आई जस्ट वांटेड टू चेक कि ये आर्म में इसने हाथ में क्या पहना है। एंड इसने बहुत करेक्ट आंसर दिया, वॉच। सो यू कैन सी देयर इज अ वॉच। एंड लेट मी आस्क वन मोर क्वेश्चन अबाउट दिस वूमेन हु इज वियरिंग ए नेकलेस। इज देयर व्हाट द वुमेन इन ब्लैक ड्रेस वियरिंग इन हर नेक। अगर इसने इसका करेक्ट आंसर दे दिया तो आई विल बी रियली रियली हैप्पी। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि इसने ये वाला आंसर भी जो है करेक्ट दिया है, नेकलेस। सो ये था डेमो। बेसिकली आप इतने सारे एग्जाम्पल्स देने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि बेसिकली ये करता क्या है। सो नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द आर्किटेक्चर पार्ट। सो आर्किटेक्चर पार्ट के लिए आज जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आर्किटेक्चर बहुत ही सिंपल है, बहुत सरल भाषा में समझाने वाला हूँ। कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। सो बेसिकली आप जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो सेक्शन है, वन इज फ्रंट एंड एंड वन इज बैक एंड। सो इट्स लाइक अ वेरी सिंपल प्लेन वनीला माई वेब ऐप। लेकिन लेकिन इसके फ्रंट एंड में तो सिमिलरली जैसे हमारा फ्रंट एंड में एक वेब यूआई है जो कि इन एनी ऑफ दीज ब्राउजर्स इट कैन वर्क। सो जैसे आप राइट साइड में आप देख पा रहे हो, राइट टॉप कॉर्नर में ब्राउजर्स के आइकन है। सो बेसिकली आपकी एक वेब यूआई है जो कि किसी ऑफ इनमें से किसी वेब ब्राउजर पे चल सकती है। एंड फिर ये इसके अंदर एक एचटीटीपी एपीआई सर्विस चलती है, बेसिकली रेस्ट बेस्ड एचटीटीपी सर्विस है। वो बेसिकली कॉल लेके जाती है। और बैक एंड में जो है मेरा विजन एंड लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल होस्टेड है, और ये जो है मेरा पाइथन फ्लास्क सर्वर के ऊपर होस्टेड है। पाइथन फ्लास्क सर्वर के थ्रू होस्टेड है। और बेसिकली जैसे ही यहाँ से वेब यूआई से मेरी एक कॉल जाती है, जैसे मैं वहां पे जैसे आपने डेमो में देखा होगा, मैं जैसे इस बटन सबमिट करता हूँ तो मैं दो दो चीजें ले रहा हूँ। एक मेरा जो है टेक्स्ट और जो मेरा क्वेश्चन है, दूसरा जो इमेज है जिसके बारे में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो आप वहां से लेके आता है। और पोस्ट रिक्वेस्ट और या एपीआई सर्विस के थ्रू मेरे बैकएंड में लेके आता है, उसको प्रोसेस करता है और वो फिर मेरे मॉडल को देता है वो चीजें। एंड फिर मेरा मॉडल जो है उनको एनकोड करके, क्योंकि एक मेरा टेक्स्ट है दूसरा है मेरा इमेज है, मैं डायरेक्टली मॉडल को नहीं दे सकता। सो वो उन इनपुट को एनकोड करता है वेक्टर की फॉर्म में और फिर मॉडल को देता है। फिर मॉडल उन चीजों को अंडरस्टैंड करता है, फिर मॉडल अंडरस्टैंड करने के बाद रिजल्ट देता है, रिजल्ट देने के बाद वापस एपीआई को जो है रिस्पॉन्स दे देता है जेसन की फॉर्म में, और फिर मेरा जो है फ्रंट एंड उस जेसन रिस्पॉन्स को पास करके यूआई पे दिखा देता है। सो आई होप इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स या ना समझ में आने वाली कोई चीज है नहीं, क्योंकि मैंने आर्किटेक्चर को बहुत सिंपल रखा है समझाने के लिए, ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि ये बेसिकली चीज काम कैसे करती है। सो दिस इज अबाउट द आर्किटेक्चर। नाउ लेट से मैं अगर इसके बारे में बात करता हूँ, कोड के बारे में, कोड जो है मेरा बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोड भी मैंने सिंपल रखा है। मेरा एक फ्रंट एंड है जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरा जो कोड का फोल्डर स्ट्रक्चर है ये एप डॉट पी वाई में मेरा बैक एंड है। ये मेरा यहाँ पे मेरा बैक एंड है। और उसके बाद रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में जो जो मुझे रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने मेरी डिपेंडेंसीज हैं इस प्रोजेक्ट के लिए वो डिफाइंड है। और यहाँ पे मैंने एक प्लेन एचटीएमएल में और जावास्क्रिप्ट में, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट में फ्रंट एंड का कोड लिखा हुआ है। तो कोड का जब पार्ट कंप्लीट हो गया है, तो कोड के पार्ट के बाद अगर आप अब आ जाते हैं लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो। अगर आप इस प्रोजेक्ट को अपने किसी कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए, कॉलेज असाइनमेंट के लिए, स्कूल असाइनमेंट के लिए या किसी मशीन लर्निंग बेस्ड असाइनमेंट के लिए आप इस प्रोजेक्ट को यूज करना चाह रहे हैं, तो आप जो है पिन कमेंट में जाइए, वहां पे सारी डिटेल्स मैंने मेंशन कर सकती हैं। एंड यू कैन कनेक्ट विद मी, वहां पे मैंने अपना नंबर भी मेंशन कर दिया। आप ईमेल आईडी के थ्रू भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आई कैन हेल्प यू विद द कोड, आई कैन हेल्प यू विद द कोड सेटअप एंड मेक इट रनिंग ऑन योर एनवायरमेंट।
And stay tuned for more such interesting videos. And please like this video, subscribe my channel if you find it really helpful. And if you don't find it really helpful or not that much engaging, then please let me know what we can improve upon. And till the next video, bye bye, take care.